नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। बेल्जियम, नीदरलैंड्स, फ्रांस, स्विट्जरलैंड समेत कई देशों ने महिलाओं के बुरखे पहनने पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन जैसे ही ये कदम श्रीलंका के उठाने की खबरें सामने आई तो पाकिस्तान में मानो तूफान आ गया। पाकिस्तान के बंद पड़े कान अचानक खुल गए और इसी मुद्दे पर पाकिस्तान की बौखलाहट का नमूना अब पूरी दुनिया देख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बुरखे के इस्तेमाल पर फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, बल्गेरिया, स्विट्जरलैंड समेत कई देश रोक लगा चुके हैं और अब इस सूची में श्रीलंका भी शामिल होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन श्रीलंका के इसी कदम से पाकिस्तान बौखला उठा है। श्रीलंका की ओर से बुरखे के प्रतिबंध पर पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है। पाकिस्तान के राजदूत ने श्रीलंका में बुरखा पहनने पर प्रतिबंध लगाने की श्रीलंका सरकार की योजना की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के नाम पर इस तरह के विभाजनकारी कदम न सिर्फ मुसलमानों की भावनाओं को आहत करेंगे, बल्कि द्वीप राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के मौलिक मानवाधिकारों के बारे में व्यापक आशंकाओं को भी मजबूत करेंगे। श्रीलंका में पाकिस्तान के उच्चायुक्त साद खटक की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब 3 दिन पहले श्रीलंका के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री सरत वीरासेखरा ने बुरखा पहनने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर अहम कदम उठाया है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कैबिनेट मंत्रियों से बुरखे पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी देने की मांग के लिए बीते दिनों एक पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। आपको बता दें कि बुरखा और चेहरा ढकने वाले अन्य कपड़े पर प्रतिबंध लगाने के श्रीलंका के प्रस्ताव पर एक समाचार रिपोर्ट को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए खटक ने कहा कि नकाब पर प्रतिबंध की योजना सामान्य श्रीलंकाई मुसलमानों और दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को चोट पहुंचाने के रूप में काम करेगी। कुछ दिनों पहले ही स्विट्जरलैंड के लोगों ने देश में कुछ मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और बुरखा से चेहरा ढकने और प्रदर्शनकारियों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले नकाबों पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव को कुछ छूटों के साथ मंजूरी दी। इस प्रस्ताव के एक मतदान के दौरान मंजूर होने के बाद रेस्टोरेंट, खेल के मैदानों, सार्वजनिक परिवहन साधनों या सड़कों पर चलते समय चेहरा ढकने पर पाबंदी लग जाएगी। हालांकि धार्मिक स्थलों पर जाते समय चेहरा ढकने और स्वास्थ्य कारणों जैसे कि कोविड-19 से बचाव के दौरान मास्क पहनने की छूट रहेगी। स्विट्जरलैंड के इस फैसले से दुनिया में उसकी मुस्लिम विरोधी छवि बन रही है। फ्रांस के बाद अब स्विट्जरलैंड मुस्लिम समर्थकों के निशाने पर आ गया है। बुरखे पर बैन का प्रस्ताव दो गुटों के बीच टकराव का कारण बना हुआ है। एक और जहां पाकिस्तान इस फैसले को कट्टर इस्लाम के विरोध में उठाया गया कदम बता रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोग इसे नस्लीय करार दे रहे हैं, वहीं बुरखे पर प्रतिबंध लगाने वाले देश इसे सुरक्षा नियमों के तहत उठाया गया कदम बता रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।